मतलब दिया है शैल जी, जहां तक कि जाय कोविड वैक्सीन का सवाल है, सीएलएसए ने कैडिला को अपग्रेड कर दिया है, रेटिंग रखी है बाय, लक्ष्य है 650 रुपए। इनका कहना यह है कि जो करेक्शन हुआ है रिसेंटली कैडिला में, एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने के लिए, और डबल डिजिट ग्रोथ आपको आता हुआ दिखाई देगा FY23 में, यानी अगले वित्त वर्ष में, क्योंकि जो वैक्सीन है उसकी बिक्री बहुत जोरों शोरों से आपको होती भी दिखाई देगी। सिटी ने लक्ष्य रखा है 490 रुपए। इनका मानना यह है कि जो जाय कोविड की अपॉर्चुनिटी है वो 30 रुपए प्रति शेयर है, जो ऑलरेडी उन्होंने अपने टारगेट में इंक्लूड कर दिया है। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली भी लगभग 664 के टारगेट से यहाँ खरीदारी करने की राय दे रहा है। इनका कहना यह है कि जो डीएनए लेवल की जो वैक्सीन है, क्योंकि ये डीएनए प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, वो फर्स्ट इन काइंड है, और शायद यहाँ से आपको काफी सारा ग्लोबल एक्सपोर्ट भी होता हुआ दिखाई दे। छठा वैक्सीन है, फिर भी एक मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। तो शेयर जी देखिए, आप एक इम्पोर्टेंट पहलू की बात कर रहे थे, आज एंकर बुक का जो लॉक इन है वो खुलता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि 30 दिन का लॉक इन होता है, और वो 30 दिन के लॉक इन के बाद आप शेयर्स बेच सकते हैं एज एंकर इन्वेस्टर। एंकर बुक बहुत बड़ी थी, मेरे हिसाब से, मैं अगर रिकॉल करेक्टली करता हूं तो 3 से 4 हजार करोड़ रुपए की एंकर बुक थी। ज्यादातर आईपीओ का जो एलोकेशन था वो एंकर के जरिए किया गया था। बहरहाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने आज एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाली है जोमैटो पे। इनका लक्ष्य स्ट्रीट में सबसे हाईएस्ट है 220 रुपए। जेफरीज का हमने इससे पहले देखा था 170-175 के आसपास टारगेट था, लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने आज 220 रुपए के टारगेट की रिपोर्ट निकाली है। इनका कहना यह है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे लीस्ट इंपैक्टेड आपको जोमेटो होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि इंटरनेट कंपनीज को यूजुअली काफी सारी रेगुलेटरी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है डेटा सेंटर्स और डेटा प्राइवेसी को लेके, लेकिन जोमेटो का ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जोमेटो को, इनको लगता है कि ग्रोथ काफी जबरदस्त आने की उम्मीद आगे चलते हुए इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, और इसीलिए ये कहते हैं कि निवेशकों को पीई रेशियो जोमेटो का नहीं देखना चाहिए, पेग रेशियो देखना चाहिए। ये पेग रेशियो का मतलब ये है कि जब भी आप पी को एडजस्ट करते हैं ग्रोथ के सामने, तो उसका जो रेशियो आता है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इंटरनेट कंपनीज में सबसे सस्ता शेयर आपको दिखाई देता है, क्योंकि ग्रोथ जो आगे आने वाले सालों में आपको जोमेटो में दिखेगी वो बहुत जबरदस्त दिखेगी। इसके लिए ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करिए, पी रेशियो पे ज्यादा फोकस मत करिए, ऐसा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अपने निवेशकों को कह रहा है, और इसीलिए उन्होंने टारगेट बहुत ही जबरदस्त तरीके से 220 रुपए प्रति शेयर रखा है। जहां तक कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज का सवाल है, इन्होंने इंडिकेट किया है ग्रोथ के बारे में एनालिस्ट लोगों को, और ग्रोथ का आउटलुक नियर टर्म में काफी अच्छा उनको लगता है कि हो सकता है। इसीलिए सीएलएसए ने यहाँ टारगेट अपना बहुत ही ज्यादा तरीके से बढ़ाया, लगभग 140 रुपए से बढ़ा के 1320 रुपए कर दिया है, 1320। सीएलएसए का मानना यह है कि कंपनी ग्रोथ काफी अच्छी तरीके से करेगी जहां तक कि ऑर्गेनिक मार्केट्स का सवाल है, और इसके अलावा जो ग्रोथ से आने वाली कैश है उसके कारण आपको डिविडेंड या पेआउट रेशियो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इसीलिए निवेशकों को एचसीएल टेक्नोलॉजीज खरीद के फायदा होना चाहिए, और 140 रुपए से काफी अच्छी पी रेशियो बढ़ा के इन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है।